अभी हम बिरचा पटेल में स्थित है। यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर के बाद पास, यानी मुश्किल से 200 मीटर के बाद ही बड़े बड़े नेताओं के कार्यालय हैं। बीजेपी का भी कार्यालय है, आरजेडी का भी कार्यालय है, जदयू का भी कार्यालय है। लेकिन एक बार दिखाइएगा इनके 200 मीटर की तक के बाद ही झुग्गी झोपड़ी देखिए कितना है। कहने का मतलब आप इस ठंडी रात में सोच सकते हैं कि लोग कैसे करते हैं, लोग रात कैसे काटते हैं। गरीबी इस कदर है, बिहार तो पहले ही जब नीति आयोग का रिपोर्ट आया तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य निकला, गरीब राज्य निकला। हर एक क्षेत्र में रोजगार हो, शिक्षा हो या गरीबी हो, सब क्षेत्र में पिछड़ा निकला। और देख सकते हैं कि एक शख्स है यहाँ पर, इनको दिखाइएगा और रहते कैसे हैं, थोड़ा दिखाइए, थोड़ा हटा कर दिखाइएगा कि रात में आप बीरचंद पटेल में, थोड़ा इसको हटा के इधर से दिखाइएगा और रात में कैसे रहते हैं, देख लीजिए। यही इनका आशियाना है, रात में कैसे रहते हैं। और आइए इनके आप बीती बात सुनाते हैं और क्या करते हैं, कहाँ से आएंगे आप? वीर भैया धनरवा थाना से आए हैं भैया, शिवलाल यादव मेरा नाम है। यहाँ पर गेदा बाल बच्चा को, धनरवा थाना पटना जिला में पड़ता है। जी जी, रेखा देवी विधायक हम लोग के गांव के हैं भैया। यहाँ पर नहीं कोई काम धंधा। अच्छा, रेखा देवी विधायक है, कौन सा पार्टी से है? तेजस्वी भैया के पार्टी, आरजेडी पार्टी से। हाँ जी जी। तो उनके पास कभी गए थे आप? बहुत बार गए भैया, बहुत चीज मांगे से उनसे, कुछ भी कहें कि विकलांग आदमी के कुछ भी गाड़ी घोड़ा को सहारा करने के लिए ठेलो रिक्शा दे देगा तो खाए कमाएंगे, बाकी कोई चीज कहता है कि बाबू कहाँ, जब जब समय आता था घर पर जाता है, कहता है कि छोटू शिवलाल यादव थोड़ा सा वोट की हेल्प करवा के, अभी कोई हेल्प ना मेरा कर रहा भैया। दो गेदा के दीवाल बचा है, छोटा छोटा गो है, उसके लिए कुछ भी करना होगा, रोड पर रहते हैं मजबूरी ने अपना जिंदगी काट रहे हैं भैया किसी हालत से। अच्छा, यहाँ पर करते क्या है पटना में? यहाँ भैया पटना का इनके पास नहीं, ठेला रिक्शा चलाते हैं, उन्हें रिक्शा गाड़ी माने उन्हीं से मांग के बाबू भैया कह के अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देते हैं, कोई भी नहीं देता, कहता कि बाजार नहीं तो हमको रिक्शा ठेला का चलाता है, अपना घर पर रहो बैठे, कोई हर रोजगार। पेट भरता है? नहीं भैया नहीं पेट भरता है। मांग बाल बच्चे कितने हैं? तीन गो बाल बच्चा, दो गो बेटा भैया, एगो बेटी है, तीन गो है, तीन गो का प्रतिपालन करने के लिए आए हैं, पैसा नहीं है घर जाने के लिए तक भाई, एक रुपया नहीं। आप देख सकते हैं कि इस ठंड में भी इनके बाद खाइएगा पैर फूट चुका है। देखिए इनके पास पैर तक रहने के लिए, पैर में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। आप देख सकते हैं कि गरीबी इस कदर है। खाना नहीं खाया। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है? नहीं भैया नहीं, कुछ भी नहीं मिलता भैया, राशन तो पिलर के पास गए थे आप? हाँ, नहीं कहता है कि नहीं आप लोग के नहीं मिलेगा, कितनों गरीब पीला कार्ड है लाल कार्ड है तो अपन नहीं देता राशन भैया, बोलता है कि सब वैक्सीन के सुइया दे, बस कोरोना है, कोरोना के बाद राशन आप लोग को मिलेगा ना तो नहीं मिलेगा। तो अभी कोरोना काल में सभी को राशन फ्री दिया जा रहा है? नहीं नहीं देता भैया, हम लोग के घर राशन कार्ड बना हुआ है। हाँ सब चीज़ है भैया, राशन कार्ड बनने के बाद भी नहीं मिलता? नहीं देता, वहाँ जाते तो डीलर डांट के भगा देता, कहता है कि नहीं मेरा पास नहीं, नहीं राशन आता है हर एक महीना में, हर एक महीने के बाद भी तू अपना करते रहना चाहिए। लॉकडाउन में राशन किसी के 4 किलो से ज़्यादा नहीं मिलता है। आखिर नीतीश कुमार जी, इस भ्रष्ट सिस्टम आप कब तक सुधारिएगा? आप समाज सुधार यात्रा किसके लिए निकाल रहे हैं? समाज के लोग देख रहे हैं कि किस तरह कदर गरीबी से जूझ रहे हैं और आप समाज सुधार यात्रा निकालने चले हैं? कौन सी समाज सुधार यात्रा आप निकाल रहे हैं? यही समाज सुधार यात्रा है जो गरीबी से इनका पेट नहीं भरता, यहाँ तक कि पैसे नहीं है इस ठंड में चप्पल पहनने के लिए। राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन आपके अधिकारी, आपके जो राशन जो डीलर आप नियुक्त किए हैं वो राशन तक नहीं दे रहे हैं, ये है। आपको हम अभी सहायता करेंगे और अपने पॉकेट से चप्पल के लिए, हम ज़्यादा आपको नहीं दे सकते हैं लेकिन चप्पल के लिए अभी आपको हम सहायता जरूर करेंगे, ताकि ये हम तो ज़्यादा अभी पैसा नहीं है मेरे पास, आप समझ सकते हैं कि एक यूट्यूबर कितना कमाता है, लेकिन मेरे तरफ से जो भी राशि है हम इनको 100 रुपया दे रहे हैं और ताकि यह चप्पल पहन सके। अगर आप पे भी थोड़ी इंसानियत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे गरीब लोगों को जो दे सकते हैं झुग्गी झोपड़ी है, और ऐसे लोगों को आप आइए और ज़रूर सहायता कीजिए। थोड़ा इन पर दिखाइएगा और ऐसे आप देख सकते हैं कि यहीं बगल में मंदिर है, बगल में आरजेडी कार्यालय बीरचंद पटेल है, बगल में आरजेडी कार्यालय है, जदयू कार्यालय भी है, और सामने परिवहन मंत्रालय है जहाँ पर आप देख सकते हैं।
और इन्हीं के सामने इनका झुग्गी झोपड़ी है। अगर इनको कुछ सहायता करना चाहते हैं तो आकर इनसे आप इनको कुछ सहायता कर सकते हैं। बने रहिए अपनी 22 टुडे के साथ।